बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का दर्शकों इस कार्यक्रम में। आज विजयादशमी यानी कि अशोक विजयादशमी का ये पर्व है और आज का ही दिन वो है जब सम्राट अशोक महान ने अपने शस्त्रों का त्याग किया था, यानी कि युद्ध का त्याग करके उन्होंने आज ही बुद्ध को स्वीकार किया था। और बुद्ध को स्वीकार करके उन्होंने सिर्फ देश ही नहीं, भारत ही नहीं, भारत के अलावा तमाम बहुत सारे देशों में इस धर्म का प्रचार प्रसार किया, क्योंकि वो जानते थे भारत से निकला हुआ यानी कि भारत का ही ये मुख्य धर्म है जिसे हम मानकर, जिसको समझकर, जिसको जानकर, जिसके रास्ते पर चलकर हम इस देश में शांति की स्थापना कर सकते हैं, एक सद्भाव का की स्थापना कर सकते हैं, एक समानता का जो शासन है वो कर सकते हैं। और अशोक इस शासन को उन्होंने अपने क्रियाकलापों में चरितार्थ करके, उन्होंने अपने क्रियाकलापों में इसको समाहित करके वो खुद महान बने। और आज ही का वो दिन है जिस दिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने नागपुर की दीक्षा भूमि में धम्म को स्वीकार किया था, बुद्ध धम्म को स्वीकार किया था। नागपुर की दीक्षा भूमि इसलिए ही दीक्षा भूमि कहलाई क्योंकि यहाँ पर बाबा साहब ने आज ही के दिन धम्म दीक्षा ली थी। वो दिन भी अशोक विजयादशमी का ही था। दर्शकों आपको बता दें कि हर साल ये स्थान एक ऐसा स्थान है जहाँ पर लाखों लोग इस स्थान में आते हैं। 2-3 दिन तक ये मेला चलता है और 2-3 दिन तक लोग इसी दीक्षा भूमि में यहीं पर वो रहते हैं और इस जगह पर चाहे वो जैसे भी परिस्थिति में रहें लेकिन 2-3 दिन की और रातें वो यहीं गुजारते हैं। देश के दूरस्थ अंचलों से जो लोग आते हैं, गांव से आते हैं, जिन्हें कोई नहीं बुलाता, जिन्हें किस कोई लेकर नहीं आता, कोई नेता लेकर नहीं आता, कोई राजनेता या पार्टी लेकर नहीं आती, वो खुद अपने मन से यहाँ पर आते हैं और हर साल इस स्थान पर 2-3 दिन रहकर वो वापस जाते हैं। और जब वो वापस जाते हैं तब वो खाली हाथ वापस नहीं जाते, वो अपने साथ बुद्ध का धम्म लेकर जाते हैं और वो भी किताबों के स्वरूप में। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ी बात है। भारत में चाहे जहाँ जितने भी भीड़ लगती हो, बहुत सारे धार्मिक स्थल हैं, कई मेले होते हैं धार्मिक के नाम से, धर्म के नाम से बहुत सारे मेले होते हैं, लेकिन दीक्षा भूमि का ये जो मेला है जो कि हर साल इस महीने होता है और ख़ास तौर से तब जिस दिन अशोक विजयादशमी हो तब ये जो मेला लगता है, यहाँ दुनिया भर से बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए आते हैं क्योंकि वो यहाँ किताबें खरीद सके, धम्म की किताबें, बाबा साहब की किताबें, बहुत सारे वो महापुरुष जिनको इतिहास ने भुला दिया, इतिहास ने सही ढंग से उनका वर्णन नहीं किया, ऐसी किताबें लेकर वो जाते हैं। और आपको बता दें कि पिछले 2-3 सालों की अगर गणना करें और जो गणना की गई वहाँ पर जब देखा गया तो उसमें पता चला कि 10 करोड़ से ज़्यादा रुपयों का यहाँ पर ये व्यापार होता है, ख़ास तौर से किताबों के मामले में। और किताब 10 करोड़ से भी ज़्यादा रुपए की किताब यहाँ पर बिकी है और हर साल ये जो संख्या है वो बढ़ती चली जा रही है। लोग यहाँ से बहुत बड़ी संख्या में किताबों को लेकर जाते हैं। तो ज्ञान का एक तरह से ये भंडार होता है, ज्ञान का एक तरह से यहाँ पर दरिया बहता है और एक तरह से ये ज्ञान गंगा का जो लोग आस्वाद लेने के लिए, इस ज्ञान गंगा में डूबने के लिए बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं हर साल। लेकिन इस साल हुआ ये कि यहाँ समिति ने और सरकार ने मिलकर ये फैसला लिया कि क्योंकि कोरोना की महामारी है इस वजह से इस साल ये मेला यहाँ नहीं लगाया जा रहा है और इस वजह से ना कोई स्टॉल लगेंगे ना किताबें यहाँ पर बिकेंगी, क्योंकि बड़ी संख्या में जो लोग आते हैं उनको इस साल किताबों के ज्ञान से वंचित होना पड़ेगा। क्या कहते हैं लोग इस मौके के बारे में और आज क्योंकि उन्हें ज्ञान नहीं मिल पा रहा है उसके बारे में लोग क्या कहते हैं, आज के इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे। साथ ही हम आपको मिलवाएंगे उन ज्ञान गंगा को प्रवाहित करने वाले लोग जो कि यहाँ पर अपनी पुस्तकों को लेकर, अपने प्रकाशन से यहाँ किताबें लेकर आते हैं और लोगों तक पहुँचाते हैं और जरिया बनते हैं, उनसे भी हम आपको मिलवाएंगे। शुरुआत करते हैं, हमारे साथ कपिल स्वरूप हैं जो कि आप सभी जानते हैं, सम्यक प्रकाशन जिसके स्थापना संस्थापक रहे हैं
आचार्य बौद्धाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध जो अब हमारे बीच नहीं है, अब उनकी इस विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं कपिल स्वरूप। कपिल स्वरूप से हम जानेंगे कि यहाँ इस साल वो नहीं आ पा रहे हैं तो उन्हें कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे कपिल जी? जय भीम नमः बुद्धस। सर, जैसे कि आपने पूछा कि इस ज्ञान गंगा को जनता तक पहुँचाने में हम इस बार नहीं आ पा रहे हैं, तो ज्ञान गंगा नहीं, हम तो इसको ज्ञान का दरिया ही कहेंगे, जिसको हम सालों से यहाँ पर लगातार अपना दीक्षा भूमि के ऊपर लाते हैं। और इस बार हमें इतना बुरा महसूस हो रहा है, क्योंकि एक तो पापा जी के जाने के बाद बहुत ज़्यादा उनकी कमी तो हमें खलेगी, पर यह है कि भाई पूरे साल लोग हमारा इंतजार करते हैं, पूरे भारतवर्ष के लोग यहाँ पर दीक्षा भूमि पर आते हैं और सम्यक प्रकाशन से ज्ञान लाभ लेते हैं, पुस्तकें लेते हैं, नई नई पुस्तकों का इंतजार करते हैं, तो इस बार हमें बहुत ज़्यादा कमी अखर रही है, बहुत ही ज़्यादा। हमारे साथ कोलकाता से हैं डॉक्टर सुनील कुमार सुमन। डॉक्टर साहब, आप बताएं कि आप क्या मानते हैं कि ये जो दीक्षा भूमि में ये जो पुस्तकों का मेला लगता है, इसे आप अन्य जो धार्मिक आयोजन होते हैं उससे किस तरह से अलग मानते हैं? दीक्षा भूमि कोई धार्मिक स्थल नहीं है, दीक्षा भूमि वैचारिक स्थल है, दीक्षा भूमि सांस्कृतिक और बौद्धिक स्थल है। इसलिए अशोक विजयादशमी के दिन प्रतिवर्ष जो वहाँ लाखों करोड़ों की संख्या में लोग आते हैं, वो किस उद्देश्य से आते हैं, इसको समझने की ज़रूरत है। वहाँ जो धार्मिक आयोजन होते हैं दूसरे धर्मों के, जहाँ एक भीड़ होती है, जहाँ एक कर्मकांड और एक अंधविश्वास सा माहौल होता है, जहाँ एक भगदड़ सी होती है, जहाँ एक दूसरे तरह का तनाव होता है, पुलिस व्यवस्था लगती है कि कोई दंगा फसाद ना हो जाए, दीक्षा भूमि के साथ ऐसा नहीं है। आम जनता है जो स्वतः स्फूर्त आ रही है, जो एक तरह से उस पूरी वैचारिक क्रांति के साथ, उस वैचारिक आंच और ऊष्मा के साथ खुद को जोड़ते हुए वहां पहुंचती है, उसमें साधारण जनता होती है, उसको कोई बुलाता नहीं है, वो देश के कोने कोने से लोग आते हैं, खासतौर से महाराष्ट्र और आसपास के कोने कोने से लोग वहां पहुंचते हैं, और उन सबके मन में वो कोई धार्मिक आस्था और धार्मिक अंधविश्वास या धार्मिक कर्मकांड नहीं होता है। उन सबके मन में एक बड़ी सांस्कृतिक, एक बड़े सांस्कृतिक परिवर्तन, एक बड़े सामाजिक और बौद्धिक परिवर्तन के लिए एक सपना होता है, जो डॉक्टर अंबेडकर का था, जो हमारे तमाम बहुजन महापुरुषों का था। तो दीक्षा भूमि का महत्व तो इस बात के लिए भी है कि वो कोई धार्मिक आयोजन नहीं होता है हर साल, क्योंकि वो धार्मिक उपक्रम था ही नहीं, बाबा साहब ने कोई धार्मिक कार्यक्रम नहीं किया था, बाबा साहब ने एक सांस्कृतिक और सामाजिक और एक बौद्धिक क्रांति का कदम बढ़ाया था, और दीक्षा भूमि इसी का प्रतीक है। इसलिए हम देखेंगे कि वहाँ पे जिस तरह से लोग आते हैं और लोगों के मन में जिस तरह की का एक जज्बा होता है, वो धार्मिक रंग हमें वहाँ नहीं दिखता है। हमारे साथ कुछ पाठक भी हैं जो कि यहाँ पर आकर किताबों की खरीदारी करते हैं, हर साल आते हैं, जानते हैं उनको ये साल कैसा लग रहा है। बाबा साहब ने जो हमारे ज्ञान चक्षु खोल दिए, इससे जो एक नई दृष्टि मिली वो भी ज्ञान अर्जित करने की। अम्बेडकरी समाज ने जिस तरह से विद्या अर्जित करके जो प्रगति की है, उसका एक अपना अलग महत्व है, और इसी बात को समझते हुए दीक्षा भूमि हो या चाहे चैत्य भूमि हो, वहाँ पर पुस्तकों के मेले लगते हैं, वहाँ फूल हार अगरबत्ती की दुकानें नहीं लगती, वहाँ सिर्फ पुस्तकों के मेले ही लगते हैं, और मैं खुद भी हर साल दीक्षा भूमि पर जाता हूँ, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अस्थियों के को वंदन करता हूँ, उसके बाद पुस्तक मेले में जाता हूँ, वहाँ से कम 500 रुपये की तो पुस्तकें जरूर खरीदता हूँ, क्योंकि पुस्तकें मांग कर नहीं, खरीद कर पढ़नी चाहिए, और इसी उद्देश्य को सामने रखकर मैं पुस्तकें खरीदता हूँ। मगर इस बार ज्ञान पिपासुओं के लिए बहुत ही दुखद बात है कि इस बार दीक्षा भूमि पर वो पुस्तकों का मेला नहीं लगेगा, और हम सभी पुस्तक प्रेमियों को इससे वंचित रहना पड़ेगा, ये बहुत ही दुखद बात है। हमारे साथ डॉक्टर संजय गजभिय हैं जो कि लेखक हैं, हम इनसे जानते हैं कि क्या कहना है डॉक्टर साहब का। प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष धम्म क्रांति समारोह के अवसर पर दीक्षा भूमि नागपुर में जनसागर के साथ साथ
ज्ञान सागर भी हमें देखने को नहीं मिलेगा। संपूर्ण विश्व में दीक्षा भूमि ही एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पर प्रतिवर्ष धम्म क्रांति दिवस के अवसर पर किताबों की प्रदर्शनी के रूप में विशाल ज्ञान सागर देखने को मिलता है। यदि हम देखें तो केवल इन दो दिनों में ही यहाँ करोड़ों रुपए की किताबें खरीदी और बेची जाती है। यह विश्व में लगने वाले किसी भी पुस्तक मेले में जो रिकॉर्ड दीक्षा भूमि पर कायम होता है ग्रंथ खरीदने बेचने का, यह हमें विश्व में अन्यत्र कहीं भी दिखाई नहीं देता। इस वर्ष दीक्षा भूमि पर इस समारोह का नहीं होना निश्चित ही ज्ञान की लालसा रखने वाले पाठकों के लिए बहुत ही निराशाजनक है। कपिल, आप बताएं कि आमतौर पर तो बहुत सारी किताबें यहाँ से जाती हैं, घरों तक पहुँचती है, करोड़ों रुपए की किताबें घरों तक पहुँच जाती हैं। ज़्यादातर कौन सी किताबें होती हैं जो लोग लेकर जाते हैं? जितनी बड़ा पुस्तक मेला यहाँ पर लगता है, पुस्तक प्रदर्शनी दीक्षा भूमि पर लगती है, पूरे भारतवर्ष में कहीं पर भी नहीं लगती, क्योंकि इतने लाखों लोग, कितने पुस्तक प्रेमी यहाँ पर आते हैं। मैंने आज तक, हम भारतवर्ष में सभी जगह जाते हैं, तो हमने आज तक ऐसा कहीं पर भी नहीं देखा कि इतनी बड़ी तादाद में, संख्या में लोग आते हैं और पुस्तक प्रेमी यहाँ पाए जाते हैं। पूरे भारतवर्ष के लोग यहाँ आते हैं और पुस्तकें अपना यहाँ से लेकर जाते हैं। और अधिकतर यहाँ पर सम्यक प्रकाशन की जो किताबें हैं, जो लोग सम्यक प्रकाशन पर भरोसा करते हैं, जैसे कि बौद्ध धर्म की जो किताबें हैं और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से संबंधित जो किताबें हैं, उनकी बहुत अधिक डिमांड रहती है। और त्रिपिटक साहित्य की तो बहुत अधिक डिमांड रहती है, क्योंकि सम्यक प्रकाशन अपना त्रिपिटक साहित्य अच्छे तरीके से एडिट करके उसको जनता तक पहुंचाता है। और लगभग तो सभी तरीके की किताबों की डिमांड यहाँ रहती है, मगर बौद्ध धर्म की और डॉक्टर अम्बेडकर जी और उनसे संबंधित पुस्तकों की सबसे अधिक डिमांड रहती है। और नई नई पुस्तकों का तैयार तो रहता ही है पाठकों को। दीक्षा भूमि एक ऐसी जगह है जो भारत में सांस्कृतिक और बौद्धिक क्रांति का प्रतीक है। मैं ये मानता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर ने उस दिन कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया था, बल्कि भारत के इतिहास में सांस्कृतिक क्रांति और एक बौद्धिक क्रांति की दिशा में एक कदम बढ़ाया था। ये कितनी बड़ी चीज़ है कि ये वो खासतौर से अशोक विजयादशमी के अवसर पर लगने वाले वहाँ जो मेले होते हैं या जो वहाँ जो जलसा होता है, वहाँ जो आयोजन होता है, उसमें हजारों नहीं, लाखों नहीं, बल्कि करोड़ों की संख्या में किताबें बिकती हैं। जिस जगह पे इतनी संख्या में किताबें, इतनी संख्या में किताबें शायद पुस्तक मेलों में बिकती होंगी, अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेलों में बिकती होंगी, लेकिन दीक्षा भूमि में इतनी करोड़ों की संख्या में किताबें बिकती हैं। इसका मतलब ये जो दिन है और ये जो पूरा आयोजन है और इसका जो महत्व है धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस का, वो सारा का सारा महत्व तो बौद्धिक क्रांति के रूप में है, सांस्कृतिक क्रांति के रूप में है, और इसे पूरे बहुजन समाज को इस महत्व को जानने और समझने की जरूरत है। और ये आज के दिन हम देख रहे हैं कि इस बार लॉकडाउन के चलते, कोरोना के चलते नहीं जो है भौतिक रूप से लोग वहाँ उपस्थित नहीं हो पाएंगे, फिर भी ऑनलाइन माध्यमों से, इंटरनेट के माध्यमों से लोग किताबों से जुड़ रहे हैं। और दीक्षा भूमि एक प्रतीक है उन वर्गों के लिए जो शिक्षा से जानबूझकर वंचित रखे गए, तो वो उन वर्गों के लोग ज्यादा से ज्यादा शिक्षा में आगे आए, ज्यादा से ज्यादा वैचारिक साहित्य को पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा किताबों की दुनिया में जाएं, ज्यादा से ज्यादा विचारों की दुनिया में जाएं, ताकि इस देश में एक बड़ी सामाजिक सांस्कृतिक क्रांति हो सके। और ये सामाजिक सांस्कृतिक क्रांति ही पूरे बहुजन समाज की मुक्ति का, पूरे बहुजन समाज के विकास का, पूरे बहुजन समाज के को एक तरह से स्थापित करने में, फिर से स्थापित करने में एक बड़ी भूमिका निभाएगा। और शायद इसी सामाजिक सांस्कृतिक और बौद्धिक क्रांति की वजह से हम राजनीतिक सत्ता की ओर आगे बढ़ सकेंगे। तो इस पूरी क्रांति का, इस पूरे परिवर्तन का, इस पूरी योजना का जो एक संकेत है, जो एक संदेश है, वो दीक्षा भूमि के द्वारा हमें मिलता है। ये वो साल है जिस साल हम दीक्षा भूमि तक जा भी नहीं पा रहे हैं, और यही वो साल है जिस साल ने हमसे साहित्य जगत का एक बहुत बड़ा चमकता सितारा छीन लिया है। और
ये वो समय है जब सिर्फ ये दीक्षा भूमि ही नहीं, साहित्य जगत भी एक खालीपन को महसूस कर रहा है। सम्यक प्रकाशन की जो ये ज्ञान गंगा बहती है, ये जो दरिया बहता है, इस दरिया का आगे का क्या प्लान है, आगे की क्या रणनीति है, बौद्धाचार्य के बिना आप किस तरह से इस को आगे लेकर जाएंगे, ये हम जानना चाहेंगे आपसे। ये आपने सही कहा सर, हम परिवार ही नहीं, पूरा देश का, पूरा बौद्ध जगत, पूरा अम्बेडकरी जगत, अपना जितना भी है, सभी पापा जी के जाने से बहुत ही खालीपन महसूस कर रहे हैं। और उन्होंने जो ज्ञान का दरिया बहाया था, तो हम आपको इतना भरोसा दिलाते हैं कि हम उस ज्ञान के दरिया को बिल्कुल भी नहीं रुकने देंगे। और हमारी कोशिश रहेगी कि एक तो उसको बनाए रखना है, दूसरा हमारे लिए जो चुनौती है उसको बढ़ाना है। तो हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि ये ज्ञान का दरिया जो पापा जी ने बहाया था, इसको हम बिल्कुल भी रुकने नहीं देंगे, पीछे नहीं जाने देंगे, इसको आगे बढ़ाते ही रहेंगे। निश्चित रूप से इस बात को बहुत सारे लोग महसूस कर रहे हैं कि इस बार वो यहाँ नहीं आ पा रहे हैं, और इस वजह से एक बहुत बड़ा खालीपन उनके इस जीवन में वो महसूस कर पा रहे हैं, क्योंकि ये वो समय होता है जब लोग यहाँ आकर ज्ञान को अपने घरों तक पहुँचाते हैं, जो कि आगे की पीढ़ी को प्रबुद्ध करने में बहुत सहायक होता है। तो ऐसे में जबकि इस देश में तमाम वो राजनीतिक रैलियां हो रही हैं जहाँ पर बहुत भीड़ जुट रही है, तमाम वो धार्मिक आयोजन हो रहे हैं जहाँ पर बहुत भीड़ जुट रही है, यहाँ पर भी एक खास नियमों को ध्यान में रखकर इस प्रकार के मेले का आयोजन किया जा सकता था। क्या आपको लगता है कि ये जो इस आयोजन को रद्द करना, आप इसको किस तरह से लेते हैं? आपने सही कहा, पूरे देश भर में इस वक्त रामलीलाओं का आयोजन हो रहा है। आप देख रहे हैं कि बिहार चुनाव के अंदर, रैलियों के अंदर लाखों की संख्या में लोग उमड़ रहे हैं, मगर ये सिर्फ आपने देखा कि दीक्षा भूमि के ऊपर जो लोग आते हैं और उनको ये एक रोकने का इनका जो प्रयास है, हम तो उसको प्रयास ही कहेंगे उनका, क्योंकि वो चाहते नहीं कि हमारे लोगों के कार्यक्रम हो और बड़ी संख्या के अंदर लाखों लोग आएंगे, एकजुट होंगे और उनके अंदर जागृति आएगी। तो सरकार का कहीं ना कहीं तो ये है कि ये आयोजन ना हो, और वो इसको रोकने के लिए उनको एक बहाना मिल गया है कोरोना का, जबकि कोरोना सिर्फ नागपुर दीक्षा भूमि के लिए ही मुझे लग रहा है कि है। बाकी तो आप देख रहे हैं बिहार के अंदर चुनाव के अंदर लाखों की भीड़ें आ रही हैं और सब जगह रामलीलाओं का आयोजन हो रहा है। तो हम तो कहेंगे कि भाई सरकार को निष्पक्ष अपना पक्ष रखना चाहिए था। अशोक विजयादशमी के दिन नागपुर के दीक्षा भूमि में धम्मचक्र परिवर्तन का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, पर सरकार ने इस बार त्योहार पर्व मनाने के लिए प्रतिबंध लगाया है। तो क्या हिंदू त्योहार और राजनीतिक आयोजन बंद है? कतई नहीं। तो फिर धम्मचक्र परिवर्तन का ही पर्व क्यों रोका गया है? साहित्य ये समाज का दर्पण होता है, जैसे दर्पण के सामने खड़े हो तो दाग धब्बे दिखते हैं और दाग धब्बे मिटाने के लिए कॉस्मेटिक का उपयोग किया जाता है, ठीक उसी तरह डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें अंधविश्वास, सड़ी गली मानसिकता और विषमतावादी व्यवस्था से दूर होने के लिए ये साहित्य देकर हमारे लिए ये दर्पण का काम किए हैं, और यही मनुवादी मानसिकता को कतई मान्य नहीं, इसीलिए उनको लगता है कि इनके सामाजिक धार्मिक संगठन तो ये किताबों के माध्यम से ही मजबूत हुए हैं, तो इनका राजनीतिक संगठन भी ये किताबें पढ़कर कहीं मजबूत न हो, इसीलिए उन्होंने ये पर्व रोका, ऐसा मुझे लगता है, और मैं इसका कड़ी शब्दों से निंदा करती हूँ। धम्म परिवर्तन दिन का जो समारोह है, उस समारोह पे बयान कर रखा है, जिसके वजह से बौद्ध अनुयायी जो कि विश्व के चारों कोणों से यहाँ पर पहुँचकर ज्ञान प्राप्ति का एक सुख अनुभव करने की
जो अभिलाषा या लालसा रखते हैं उनकी ये अभिलाषा या लालसा इस साल में कहीं तो भी पूरी नहीं हो पाएगी। ऐसे में हमने क्या करना चाहिए? मेरा मानना है कि धम्म परिवर्तन भूमि पर जाकर हम जो ज्ञान का खजाना लूटते हैं या फिर जो बाबा साहब का जो संग्रह जो है वो संग्रह हम अपने पास लाने की जो कवायद करते हैं तो इस साल हम अपने अपने एरिया में ही जहाँ पर भी हम लोग है रहते हैं उस एरिया में जो विहार है या फिर वहाँ पर जो हमारा छोटा बड़ा जो भी एरिया है हमारे हिसाब से हमारी जो भी आर्थिक स्थिति है उसको देखते हुए क्यों ना हम बाबा साहब जी का ज्ञान पुस्तकों के माध्यम से जो कि कहीं ऐसे लेखक है जिन्होंने बाबा साहब जी के विचारों को अपने किताबों में या फिर अपने साहित्य में दर्शकों के सामने रखा है। ऐसे किताबें अपने से जितने भी होते हैं जैसे कि 2, 4, 5, 6, 10 तक जैसे भी हमारे से जितने भी किताबें हो सकते हैं हम उन किताबों को इस धम्म परिवर्तन दिनों में यदि लोगों में बांटते हैं तो शायद मुझे लगता है कि लोगों की जो ज्ञान प्राप्त करने की जो रुचि है या फिर उनकी जो लालसा है उस लालसा में थोड़ा हम योगदान कर सकते हैं। और इसी तरह जो बाबा साहब का ज्ञान का जो सैलाब वहाँ दीक्षा भूमि पे आता था उसकी पूर्ति हम अपने अपने गांवों में से अपने अपने विहारों में हमारे से जितना भी हो सकता है उतना हम कर सकते हैं। साथियों, इस बार नागपुर दीक्षा भूमि में जो कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे उसमें एक बुक्स मेला भी लगता था और उस बुक्स मेले में सारे देश विदेश से लोग यहाँ नागपुर से आके बुक्स ले जाते थे। इस बार वो बुक्स मेला और वो धम्म चक्रवर्तन का कार्यक्रम यहाँ नहीं होने जा रहा है। इसका कारण है कि हमारे देश में और विदेश में पूरे संसार में कोरोना महामारी फैली हुई है। तो आपके यहाँ जो और भी जो बुक्स है जो भारत का संविधान है बुद्धियान धम्म है और भी जो बुक्स है आप उसको घर पे ही पढ़ के तथागत बुद्ध और परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को नमन करके आप उस पुस्तक का ध्यान दे सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारतीय समाज को जातिवाद के तेजाब रूपी दरिया को पार करने में सदियां बीत गई परंतु भारतीय समाज आज भी उसी कुचक्र में डूब और उतरिया रहा है। इस तेजाब के दरिया से मुक्ति दिलाने में भारत रत्न संविधान निर्माता आधुनिक भारत के स्वप्नदृष्टा विश्व ज्ञान के प्रतीक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संघर्ष से पूरी दुनिया अवगत है। जातिवाद के अभिशाप से मुक्ति के लिए डॉक्टर अम्बेडकर ने अपना सर्वस्व कर भारतीय समाज एवं महिलाओं को सम्मान से जीने का अधिकार दिलाया। इस संदर्भ में दीक्षा भूमि नागपुर का भी गहरा संबंध है।
हिंदू धर्म में चौथे क्रम पर सदियों से आर्थिक सामाजिक विपन्नता ही नहीं, शिक्षा से वंचित और कुत्ते बिल्लियों से निम्न स्तर की दुर्दशा झेल रहे हाशिए के आदमी दलित समाज के सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक उद्धार के लिए डॉक्टर अंबेडकर द्वारा चलाया गया भारतीय बौद्ध दलित आंदोलन की अहम भूमिका है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचार से हाशिए के आदमी दलित समाज का विकास हिंदू धर्म के चक्रव्यूह में फंसे रहकर संभव नहीं है, बिल्कुल सच भी है। हाशिए के आदमी दलित समाज के विकास के लिए धर्म परिवर्तन आवश्यक है। बौद्ध विचारधारा से प्रेरित होकर बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को अपने 1,00,000 अनुयायियों के साथ नागपुर में बौद्ध धर्म सत्कार कर लिया। यह पवित्र स्थल दुनिया में दीक्षा भूमि के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक वर्ष अशोक विजयादशमी के दिन नागपुर में स्वाभिमान आत्मसम्मान एवं ज्ञान का विश्वव्यापी बसंत उतर जाता था। परंतु कोरोना के इस कहर से इस वर्ष नव अनुभूति से पूरी दुनिया वंचित रह जाएगी। खैर, जीवन के लिए जरूरी भी है। मैं नंदलाल भारती दीक्षा भूमि दिवस के शुभ अवसर पर देश हास्य के आदमी दलित समाज के सर्व कल्याण की मंगल कामनाएं करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हमने जाना कि ये जो खालीपन इस साल हम अपने इस आयोजन में महसूस कर रहे हैं, वो किताबों का खालीपन, वो ज्ञान का खालीपन, क्योंकि ये वो समय है जब लोग इस दीक्षा भूमि में आकर बहुत बड़ी संख्या में किताबों को लेकर घर जाते और उस इतिहास को समझ पाते, उसी इतिहास को जान पाते जिस इतिहास को हमसे छुपाया गया, जिस इतिहास को किताबों में पहले से कलमबद्ध नहीं किया गया, उन इतिहास की किताबों को वो अपने बच्चों तक, अपने आने वाली पीढ़ी तक लेकर पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे जो लोग, इस साल उनका ये जो क्रम वो टूट गया है। तो निश्चित रूप से हम और आप जिन किताबों को पिछले साल हम लेकर आए हैं, इस बार उन किताबों को और भी दूर दूर तक पहुंचाने का हम प्रयास करेंगे, इसी उम्मीद के साथ कि आगे आने वाला समय बेहतर होगा और एक बार फिर से दीक्षा भूमि का वो जो पुरानी, उसकी जो पुरानी रौनक है वो फिर से लौटेगी, हम ये उम्मीद करते हैं। और दीक्षा भूमि का जो वास्तविक महत्व है, जो कि यहाँ से जो प्रबुद्ध होने का जो एक प्रयास हर व्यक्ति करता है और बहुत सारे जो संगठन हैं वो करते हैं, वो अपने प्रयास में सफल होंगे, इसी उम्मीद के साथ इस कार्यक्रम को हम यहीं पर संबंध करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।